हेलो गाइस आई एम सुमीर पोदार एंड यू आर वाचिंग प्ले केमिस्ट्री सो गाइस इस वीडियो में हम फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं आई होप यू मे हैव हर्ड ऑफ इट इट्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन बट फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन इज जस्ट अ सब पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन इज लाइक अ बिग थिंग एंड फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट सो लाइक आवर ऑल अदर वीडियो इस वीडियो में भी हमारा टास्क है To complete this topic in shortest time possible. So if you haven't watched our IUPAc naming in one hour isomerism in 30 minutes and ozonolysis in 30 minute you must check that out first. So let's do electrophilic substitution reaction in the shortest time possible So let's do electrophilic substitution reaction. So first thing first is electrophile or is nucleophile electrophile ki pass electron kicomioia, और न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होता है सो न्यूक्लियो फाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर देता है सो so, इस तरीके से दोनों बैलेंस हो जाते हैं सो दिस इज़ बेंजीन अगर बेंजीन को हम थ्री फॉर्म में बनाएं देन वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस बेंजीन विद वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो बेंजीन डोनेट्स दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू एनी इलेक्ट्रो फाइल दैट नीड्स इट सो दिस इज़ बेनजीन एंड दिस इज़ इलेक्ट्रोफाइल इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू इट्स इलेक्ट्रोफाइल सो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल को चले जाएंगे और इन दोनों में इस तरह से बॉन्ड बन जाएगा और क्योंकि सेकेंड कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट हो जाएगा दैन देअर विल बी अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट नाउ दिस इज कॉल्ड अरेनियम आयन तो ये था पहला स्टेप एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सो वी आर डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंसिन अब आ रही है सेकेंड स्टेप की सो देयर इज अनदर न्यूक्लियरफाइल अब ये न्यूक्लियो इस अरेनियम आयन पर अटैक करेगा बट न्यूक्लियो को एक इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत होती है तो इस कार्बन में ई के साथ साथ एक एच है यू नो इट इज़ अ बॉन्डलाइन स्ट्रक्चर पर अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे देन देयर विल बी अ हाइड्रोजन ऑन इट सो न्यूक्लियोफाइल सिर्फ हाइड्रोजन को ले जाएगा और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड बेंजीन पे चले जाएगा सो एच एन यू इज आउट सो नाउ वी गेट अ बेंजीन विथ इलेक्ट्रोफाइल प्रॉपरली

क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है सो इट नीड्स सम इलेक्ट्रॉन सो इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन लवर एच पॉजिटिव सी एस थ्री पॉजिटिव एनओ टू पॉजिटिव सी एस थ्री सी ओ पॉजिटिव ऑल ऑफ दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स हाइड्रोजन को हम स्टेबल तब मानते हैं जब इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हो बट दिस इज एच पॉजिटिव एच पॉजिटिव में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एच पॉजिटिव बनता है यानी कि H पॉजिटिव में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है सो so, इसका ये मतलब हुआ कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है नाउ लेट्स कम टू सी पॉजिटिव सी पॉजिटिव सो इफ वी एक्सपैंड एंड ड्रॉ इट वी गेट समथिंग लाइक दिस सो दिस इज सी एस थ्री पॉजिटिव नाउ यू कैन सी कार्बन के अराउंड तीन बॉन्ड्स हैं और तीन बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब इसके पास टोटल छः इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसके पास होने चाहिए वैसे आठ इलेक्ट्रॉन बट इसके पास है छः इलेक्ट्रॉन यानी कि सी एस थ्री पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट है इसका मतलब सी एस थ्री प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है इसी तरह से सी एस थ्री सी ओ प्लस और एन ओ टू प्लस ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स हैं सो इन दिस वीडियो वी विल डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन फ्रीडर क्राफ्ट एलकाइलेशन फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन सो लेट स्टार्ट विथ हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन मीन्स एडिंग हेलोजन तो हेलोजन होता क्या है हेलोजन होता है फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन सो हमारे पास एक बेंजीन है और इसमें हम एक ही हैलोजन एड करना है सो दिस प्रोसेस इज हेलोजिनेशन सो क्लोरिन दिस इज़ अलोजन एंड वी वॉन्ट टू एड इट ऑन बेंजीन तो हमें इसके लिए रिएजेंट की ज़रूरत है एंड देट इज़ एफ ई सी एल थ्री सो वी विल एड अ रिएजेंट जिसके कारण से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा so that reagent is FeCl3. so FeCl3 plus Cl2 that gives us FeCl4 negative and Cl positive. so अब ये जो Cl positive आया, that is our electrophile. अब आगे वही होगा जो हमने mechanism में देखा है. so benzene में यहाँ एक hydrogen लगाया and this Cl positive will replace that hydrogen. so we get a chlorobenzene. FeCl3 is a reagent. ये product में कहीं नहीं आएगा. बट क्लोरीन में दो क्लोरीन एटम्स थे एक क्लोरीन तो बेंजीन पे चला गया एक क्लोरीन जो बचा वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके एच सी एल बना देगा सो दिस वॉज हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन ऐड करना और क्योंकि यहाँ पे हमने क्लोरीन ऐड किया सो so इसे हम क्लोरीनेशन कहेंगे नाउ लेट्स डू द सेम थिंग आयोडीन सो इस बार इसे हम कहेंगे आयोडीनेशन सो दिस इज बेंजीन एंड वी आर एडिंग आयोडीन इन इट सो रिएजेंट यूज करेंगे एच आई ओ थ्री जस्ट लाइक क्लोरीनेशन, वी विल डू सेम थिंग हेयर सो वी विल गेट अ बेंजीन विथ एन आयोडीन सो दिस इज आयोडो बेंजीन। एंड अनदर प्रोडक्ट विल बी एच आई यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड बट आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस होगा यानी कि बेंजीन विल टर्न आयोडो बेंजीन एंड आयोडो बेंजीन विल टर्न इन टू बेंजीन सो ये था हेलोजिनेशन बारी नाइट्रेशन की सो दिस इज़ अ बेजीन विथ एच एन ओ थ्री रीएजेंड ऐड करेंगे कंसनट्रेटेड एच टू एस ओ फोर एट थ्री हंड्रेड थर्टी कैलविन तो सबसे पहले एच एन ओ थ्री को इस तरीके से लिखो एच ओ एन ओ टू अब इसे ब्रेक करो सो वी गेट एच ओ नेगेटिव एंड एन ओ टू पॉजिटिव ओ टू पॉजिटिव यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है एनओ टू पॉजिटिव हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन की जगह ले लेगा और जो हाइड्रोजन है वो ओ एच नेगेटिव के साथ एच टू ओ बना देगा सो वी गेट एच टू ओ एंड अट्रो बेनजीन सो नाइट्रिशन इज़ डन अबारी सल्फोनेशन की सो अगेन वी हैव अ बेनजीन एंड एट एच टू एस ओ फोर विद इट सो इस बार हमें एच टू एस ओ फोर को कुछ इस तरीके से सीखना है ओ एच एस ओ थ्री एच अब इसे ब्रेक करेंगे सो वी विल गेट ओ एच नेगेटिव एंड एस ओ थ्री एच पॉजिटिव एंड दिस एस ओ थ्री एच विल गो विद द बेनजीन और जो एच है वो ओ OH एच के साथ जाके एच टू ओ बना देगा सो वी गेट अ बेनजीन सल्फोनिक एसिड एंड अ वाटर सो वी आर डूइंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हेलोजिनेशन हो गया नाइट्रेशन हो गया सल्फोनेशन हो गया अब आ रही है फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन की और ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीटूशन रिएक्शन है फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन में दो पार्ट्स हैं एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन सो लेट स्टार्ट विथ फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन सो हेयर वी हैव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेन एल्काइलेन सो so, एल्काइलेशन में वर्ड है एल्काइल सो एल्काइलेशन का मतलब हुआ एडिंग एल्काइल सो एल्काइल का एग्जाम्पल है सी एच थ्री मिथाइल मिथाइल इज एन एल्काइल सी एस थ्री सी टू सी टू दिस इज़ प्रोपाइल और प्रोपाइल भी क्या है एक एल्काइल नाउ लेट्स एड मिथाइल टू बेंजीन सो दिस इज़ बेंजीन लेट्स एड मिथाइल क्लोराइड इन इट इन द प्रेजेंस ऑफ ए एल सी एल थ्री सो दिस इज़ सी थ्री सी एल

अभी इसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही क्यों कहते हैं ए एल सी एल थ्री वॉज अ रीएजेंट दैट वॉज यूज बाई फ्रीडल क्राफ्ट एंड फ्रीडल क्राफ्ट ए एल सी एल थ्री को इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए यूज़ करता था सो वी नेम इट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिकॉज वी आर यूजिंग एल्यूमिनियम क्लोराइड रीएजेंट हेयर सो इट्स फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन सो लेट्स प्रे क्लोरोप्रोपेन सो दिस पार्ट इज सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू प्लस एंड दिस पार्ट इज सी एल नेगेटिव सो दिस पार्ट इज़ इट गोइंग टू कनेक्ट विथ द बेंजीन नो सबसे पहले तो ये एक कार्बोकेटाइन है दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन और इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट होगा तब जाके ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा नो दिस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबलर दैन प्राइमरी कार्बोकेटाइन तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेबल अब जाके इसे हम बेनजीन पर कनेक्ट करेंगे सो दिस इज़ द राइट वे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबलर दैन प्राइमरी कार्बोकेटाइन एंड टर्शरी कार्बोकेटाइन इज स्टेबलर दैन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन सो कनेक्ट इट विद द बेन्जीन अभी जो क्लोरिन है दैट विल गो विथ हाइड्रोजन एंड एच सी एल विल बी फॉर्म सो वॉट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड यू कैन नेम इट योर सेल्फ बाई वॉचिंग अवर आई यू पी एस सी नेमिंग वीडियो हमने उस वीडियो में ये सारी बातें कवर कर ली है सो वी विल नॉट डू इट हेयर अगेन अब आ रही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की सो दिस इज़ बेंजीन

So we get acetophenone and NHCl. So this was Friedel-Craft acylation. So finally we have done all type of electrophilic substitution reaction including Friedel-Craft reaction. Now next reaction. Let's react benzene with benzoyl chloride in the presence of AlCl3. Expand C6H5COCl like this. Now break it. So we will get C6H5CO plus and Cl negative. नोटिस करने वाली बात यह है कि हमने C को ही पॉजिटिव दिया और Cl को नेगेटिव ऐसा क्यों सो so इसका रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी एल इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घींच लेता है सो so CCl सी में जो भी बॉन्ड है उसमें बॉन्ड सी की तरफ चला जाएगा क्योंकि सी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सो वी विल गेट पॉजिटिव ऑन कार्बन एंड नेगेटिव ऑन क्लोरीन COC6H5 HCl. कंपाउंड को इस तरीके से एक्सपैंड करके लिखो सो वी हैव टू बेंजीन ऑन इट एंड कीटोन. तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे डाइफिनाइल कीटोन नाउ लेट्स डू मोर रियक्शन सो दिस इज फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेन तो यह था बेंजीन फिर उसके साथ एड किया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ एल सी एल थ्री सो वी विल गेट एन एसिटोनोन तो ये तो हमें पता है पर अब हमें क्या कर रहे हैं ना वी हैोजन आयोडाइड तो इस रियजेंट का क्या काम है ये रिएजेंट कीटोन को रिड्यूज कर देता है सो दिस कीटोन दिस इज वॉट वी गेट एनिथाइल गेट बैक टू फ्रीडलिएशन सो फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन में हम बेंजीन के साथ सी एस थ्री सी एल को रिएक्ट कराते थे सो सी एस थ्री सी एल ब्रेक्स लाइक दिस सी एस थ्री पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव फ्रीडर क्राफ्ट में सी एस थ्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करता था और इस तरीके से बेंजीन का एलकाइलेशन होता था सो दिस वॉज़ फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन पर अब जो हम कर रहे हैं उसमें हमारे पास बेंजीन की जगह फिनॉल है अब इसमें सी एस OH थ्री ओ एच को रिप्लेस नहीं करेगा सो so, इस बार बेंजीन का एलकाइलेशन नहीं होगा

सो वी हैव बेंजोइक एसिड और इसके साथ हमें सी एस थ्री सी एल रिएक्ट करना है तो सबसे पहले तो सी यू एच को एक्सपैंड करके लिखो इस तरीके से तो पहले हमने ओ OH एच को किस तरीके से ब्रेक किया था ओ पे नेगेटिव एंड एच पे पॉजिटिव चार्ज बट सी यू एच में हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है सी ओ ब्ड है और ओ एच बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ को ब्रेक करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है सी ओ ब्ड को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है और ओ एच बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी है ओ एच ब्रॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड वी विल गेट अगेन ओ नेटिव एंड एच पॉजिटिव और सी एस थ्री सी एल तो हमें पता ही है सी एस थ्री सी एल ब्रेक लाइक दिस सी एस थ्री पॉजिटिव एंड सी एल नेगेटिव सो सी एस थ्री पॉजिटिव सी ओ ओ के साथ जाएगा और एच पॉजिटिव सी एल के साथ सो वी विल गेट मिथाइल बेन्नोट एंड एच सी एल सो विद दिस फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन आर डन So with this Friedel craft reaction is done and electrophilic substitution reaction is done so i hope you like this video don't forget to check out these videos and don't forget to subscribe like and share so guys i am coming with a new type of video with new format and new style so don't forget to subscribe like and share i am sumir pudar and you are watching play chemistry